अरे ओ बाबूजी, बहुत सवाल पूछ लिए हमसे, अब हमारी बारी है। चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछ रही मैं हूँ। कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ, बाद में आना शिल्पा, मैं बाद में करेंगे। ये क्या बात हुई, डर गए नहीं, क्या? बात डरने की नहीं है, नहीं सच में, कोई बाद में पूछ लेना, मना थोड़ी है। नहीं, मैं पूछती हूँ, एक सीधा सिंपल सा सवाल है बस, कुछ भी नहीं करना है। देखो, एक क्वेश्चन पूछूंगी, उसका सीधा जवाब नहीं देना है, तुमने उल्टा पुल्टा जवाब देना है उसका, ठीक है? सिंपल सा सो क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। माधुरी दीक्षित का पूरा नाम क्या है? बताओ बताओ। सीधा जवाब नहीं देना ना है, ना, सीधा जवाब नहीं देना है। उल्टा पुल्टा जवाब देना। हाँ क्या सवाल है यार ये? बताओ बताओ, इतना सिंपल है। दीक्षित माधुरी। नहीं, नहीं पता। इसका जवाब है उल्टा पुल्टा। मैंने क्या कहा था, जो भी क्वेश्चन पूछूंगी उसका जवाब है उल्टा पुल्टा। कहाँ जा रहे हो? फुटबॉल खेलने। और घर के सारे काम कौन करेगा? आज के बाद मैं घर का कोई भी काम नहीं करूँगा। अच्छा, किस खुशी में? क्योंकि तुम्हारे दादा ने मना किया है। दादा ने? पर मेरे दादा को गुजरे तो काफी साले हो गए। तुम्हें शायद यही नहीं पता, मुझे रूहों से बात करना आती है, और कल मैंने तुम्हारे दादा की रूह को बुलाया था। तो क्या कहा मेरे दादा की रूह ने? काफी नाराज थे तुमसे, कह रहे थे मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि मेरी पोती मेरे दामाद से इतना ज्यादा काम कराती है, और कह रहे थे कि अगर आज के बाद मेरी पोती ने मेरे दामाद से घर का कोई भी काम कराया तो वो उनका मरा मुंह देखेगी। मरा मुंह? जिंदा मुंह। छोड़ो यार, क्या करना। अच्छा, जब तुम्हें रूहें बुलाने ही आती हैं तो मेरे लंदन वाले अंकल की रूह को बुला दो ना, मुझे उनसे थोड़ा काम है। ये फंस गया। अच्छा ठीक है, लो तुम्हारे लंदन वाले अंकल की रूह आ गई है, पूछो क्या पूछना है। अंकल, मुझे बस आपसे इतना पूछना है कि जब आप जिंदा हैं तो आपकी रूह यहाँ क्या कर रही है? बेवकूफ समझ रखा है मुझे? अगर तुम्हें रूह बुलाना आती है तो मुझे निकालना भी आती है। कैसे? हे प्रभु, एक बार हमन के भूज के करिया कह देता, इका डिग्रिया एकदम ऊपर नीचे कैले बाड़ा। जोन डिग्रिया तू एकदम आसानी से बढ़ावा चल जात हो प्रभु, डिग्रिया इतनी आसानी से ना मिले ले। एक डिग्री ले ले चक्कर में हम कई बार फेल हो गए नी। सरवा ऐसा तेज गर्मी पड़त या कि कपड़वा धोते तुरंत सूख जाता और पहनते फिर गील हो जाता। बहरे निकलत है तो हवो गरम, पानियो गरम, और तौर मौसम गरम, फिर हार मान के सोचा था घरे चल जाए तो घर वालन के दिमाग गरम। अरे प्रभु, हम उनके वेस्ट इंडीज वालन के करिया कह के मन बका। तुहन के पेड़ साफ करत हो, हम तुहन के साफ कह दे। ऐसा बतिया आप पेड़ लगी अब। हेलो नमस्कार सर, मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ, आपको अपना लाइफ इंश्योरेंस कराना है सर? अजय भैया माफी दो, अगर हमने लाइफ इंश्योरेंस करा लिया हमारे घर में तो ऐसे दानव है हमारी मौत की दुआ मांगेंगे। अरे ऐसा नहीं होता है सर, सोचिए अगर आपको किसी कारण से मौत हो जाती। अजय भैरंड आदमी, मौत कारण से ही होती है, ऐसा थोड़ी कि बंदर हमारे बराबर से निकलेगा और आत्मा खींच के ले जाएगा। अरे तो हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं सर, और एक बात ये भी है कि लाइफ इंश्योरेंस का मतलब जिंदगी में भी बहुत फायदे होते हैं उसके। अरे जो चीज मिलेगी मौत के बाद उसके जिंदगी में फायदे कैसे हो सकते? और ये जो तुम नशे कर रहे हो ये तुम्हारे पास खुद का पेड़ है। सर जब आपकी मौत हो जाएगी तो आपको जो पैसा मिलेगा वो आपकी फैमिली आपके नाम से कहीं अच्छी जगह यूज कर देगी। अरे मरने के बाद का कब्र पक्की कराएंगे वो मेरी, और ना तुम इतने पैसे दे दोगे कि ताजमहल बन जाएगा मेरे नाम से। अरे तुम अपने लिए कुछ नहीं करवाना चाह रहे तो वो पैसा फैमिली यूज कर लेगी तुम्हारा। ना मेरा भाई, बस यही हम नहीं चाहते हैं। काहे नहीं चाह रहे तुम ये? जिस हिसाब से मेरे बड़े लौंडे को नचनियों का शौक है, मेरी चौथी से पहले उन्हीं पैसों से डीजे होंक देगा घर में। अरे हमारे सर पे अकल की दो चप्पल मारो, हमको मुक्ति दो, हमें ये काम नहीं करना तुम्हारा, बात खत्म।